पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदू संगठनों में खुशी की लहर है। शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव हनौली ने अपने टीम के साथ सुजानपुर में इस फैसले का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश की जनता में खुशी की लहर है और आज वे अपने साथियों के साथ इस ऐतिहासिक फैसले की खुशी को मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश रची जा रही है। वहां पर लगे पोस्टरों में आतंकवादियों के चित्र लगाकर पाकिस्तान ने अपनी मंशा साफ कर दी है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। उन्होंने कहा कि पंजाब तथा केंद्र सरकार इसका संज्ञान ले तथा पाकिस्तान से बात करे। गुरु नानक देव जी के ऐतिहासिक स्थान पर किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधि को ना अंजाम दिया जाए तथा जो लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जिहड़ा करतारपुर लांघे का रस्ता अज खोलिया गया है, खुशी की गल है कि गुरु महाराज की पवित्र धरती का रस्ता खोलिया गया, पर सानू शक है कि अज तक जिस तरह पाकिस्तान दी कारगुजारियां, पाकिस्तान ने हमेशा ही हिंदुस्तान के नाल दुश्मनी निभाई है, उन्होंने इस रस्ता खोलन दे गुरु महाराज के दर्शन करन दा सब तो पहला 1400 रुपया हरजाना ले रहे हैं। सैकेंड नंबर से जिहड़ा साडा पंजाब का जिन्ना भी सिख समुदाय हिंदू समुदाय है ये भावुक होकर वध तो वध भगवान अगे श्रद्धा भेट करता है। असी लोगों को अपील करते हैं कि उत्थे जिहड़ी श्रद्धा दे फुल भेट किए जाण, ना कि पैसा चढ़ाया जाए, क्योंकि साढ़े पैसे का सानू उम्मीद है भी पाकिस्तान का जिहड़ा अज तक रवैया रहा साढ़े पैसे का दुरव्यवहार किया जाएगा। जिहड़ा असी उत्थे पैसा चढ़ा के आवांगे उस पैसे नाल हथियार खरीद के साढ़े ते ही चलाए जाएंगे। तो दूसरा जिहड़ा उत्थे दा कदी प्रधानमंत्री कह दिंदा कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं, उत्थे दा जिहड़ा फौज अधिकारी है वह कह दिंदा नहीं पासपोर्ट की जरूरत है। ये लांघे का रस्ता उन्होंने अपने फायदे लिए खोलिया, साड़ी सरकार नू सीरियस होकर सिक्योरिटी नू देखते हुए वो पर एक बार फिर विचार करना चाहिए है, क्योंकि सानू उम्मीद है वे साडा पैसे नाल साडे गोली सिक्का लेके साडे ते ही उन्होंने वरतना, क्योंकि उन्होंने सामने इन्नी ताकत नहीं है। यह साडे लोग जिहड़े आ हिंदुस्तान के लोग भावुक परमात्मा प्रति भावुक हो जाते हैं, सानू भावुक करके वह निर्दोष लोगों नू मारन की प्लैन कर रहे हैं, क्योंकि हुणे देखिया हले लांघा अज खोलना उस तो पहला ही भिंडरां वाले दे वड्डे वड्डे फ्लैक्स लाए जा रहे हैं। उत्थे एक थां दस्सिया जा रहा वे इंडियन आर्मी ने इत्थे गोले सुट्टे ने गुरद्वारा साहब विखे, मतलब कि उही पोजीशन 84 वाली वे लोग भड़कन सिखां नूं बहका के वो साडे नाल फिर लड़ाना चाहते हैं, फिर अत्तवाद लैना चाहते हैं। शिवसेना पंजाब यही मंग करती है वे उन्हां दीआं जिहड़ीआं इह चालां उन्हां नूं कामयाब ना होण दित्ता जावे, इहदे वल सरकार ध्यान दे। सुजानपुर से नितिन की रिपोर्ट।